मध्य प्रदेश में चुनाव में अब सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है। ऐसे में सभी दलों के नेता वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। इसी बीच ग्वालियर पहुंची एनडीटीवी की चुनावी यात्रा और जानी लोगों से उनकी राय। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। बताइए कि जो है ग्वालियर की जनता क्यों बदलाव चाहती है, क्यों होना चाहिए? ग्वालियर की जनता इसलिए बदलाव चाहती है, एक तो महंगाई को लेके, दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं उसको लेके लोगों में आक्रोश है, तीसरा चीज़ क्या है कि विकास भी यहाँ नहीं हुआ जिस हिसाब से और जगह हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नकारना चाहती है। विकास तो काफी हुआ, कहते हैं तमाम सारे सड़कें बनी, उनका खुद का दुर्घटना भी तो हुई है सर। आपका भाई, आपका जैसे आपके साथ के मीडिया के जो लोग थे बेचारे अभी एक्सीडेंट में, उनके साथ भी तो दुर्घटना में ही तो होगा ना। विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं विकास कहाँ हुआ जी? तो रोड है खोद के डाल दें, ये विकास है? मंत्री समस्या क्या है? मंत्री कहते हैं कि हम जूते छोड़ दिए, चप्पल छोड़ दिए, तो काम तो करिए। ये मंत्री हो आप तो यार, आपके काम कौन नहीं करेगा? मंत्रियों का विकास हुआ है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जनता का ग्वालियर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। रोजगार किसी का कोई चीज है, कोई बात हो या नहीं, विकास हुआ तो मंत्रियों का हुआ है। बात हो क्या, कहीं से कहीं तक कोई चीज नहीं हुई। सड़कें तो बनी और बाकी नहीं, सड़कें हैं और भी इससे पहले यानी बहुत सी बातें हैं तो थोड़ी है। सड़क देख लीजिए, सड़क और ये तो एक नजारा है। सबसे ज्यादा तो अपने ग्वालियर क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है ना, जो कि मैं यहाँ देखता आ रहा हूँ। मैं भी खुद बेरोजगार आज भी हूँ और कल भी था, जो कि वो वादे कर जाते हैं ना कभी पूरे होते हैं, है ना, सिर्फ वादे ही वादे हैं। जिनको रोजगार चाहिए था या पेंशन चाहिए था उनको तो पेंशन मिली नहीं, जिनको घर चाहिए था उनको घर नहीं मिला, खाली आश्वासन मिले। जैसे मिल के मजदूरों का आज 20 साल से लगातार बीजेपी हर चुनाव में इसको बाधा बनाती आ रही है। शासन में हम आएंगे तो भुगतान कराएंगे, लेकिन वो अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। और मजदूर उनमें से आधे से ज़्यादा मजदूर तो दिग्वंत हो चुके हैं, दुनिया से विदा हो चुके हैं, उनका उनको हताशा बढ़ चुकी है और वो जैसे मिल के मजदूरों का निदान नहीं हुआ है। दूसरी एक प्रमुख समस्या इस क्षेत्र में है, यहाँ जो तोड़फोड़ आपको दिखाई दे रही है इस मार्केट में, इसमें अतिक्रमण के नाम पे वैध रजिस्ट्री के जो मकान थे पुराने, 200-200 साल पुरानी रजिस्ट्रियाँ मैंने खुद देखी हैं, उन मकानों को तोड़ दिया गया और उस और उनको एक नाम का, एक रुपए का उनको है ना कोई मुआवजा दिया गया, ना कोई विस्थापन किया गया। बिजली के बिल भी बढ़े हुए आ रहे हैं लोग गाँव के, कई लोग परेशान हैं अभी। बालवा की रोड है खुदी हुई पड़ी है, सब जगह गड्ढे हैं रोडों में। बिल तो माफ कर दिए ऊर्जा मंत्री ने? नहीं, बिल माफ कर दिए हैं कुछ, लेकिन जिनके बढ़े हुए आ रहे हैं 150 यूनिट और 200 यूनिट बाट के जो बिल है बढ़े हुए, वो तो उनके थोप दिए गए हैं ना, तो आ ही रहे हैं। बिल माफ हुए? माफ हुए या स्थगित किए गए हैं? स्थगित किए गए हैं, अभी माफ थोड़े हुए हैं। और बादवा की रोडों में गड्ढे इतने हैं कि चलना दुभर हो रहा है। जहाँ जहाँ उनके मंत्री आते हैं वहाँ वहाँ रोडें सही करवा देते हैं। बादवा की गली मोहल्लों में आप जाओ तो रोडें खुद ही गली हुई हैं। ग्वालियर विधानसभा में बहुत सी समस्याएँ हैं, जैसे कि हमारे तरफ ही देख लो, रोड नहीं बनी हुई है वार्ड नंबर 14 में जो कि ठीक है। और भी समस्याएं हैं, महंगाई की सबसे ज़्यादा समस्या है। सड़क सीवर भी अभी अभी डाली हैं सड़कें, और क्या ये अभी भी सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं। अभी चार साल से तो उनको ध्यान ही नहीं था कि सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं। लास्ट में चुनाव का टाइम आ गया तो उन्होंने सड़कें डाल दी।